किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, जो ना समझे उन पर खर्च मत किया करो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में प्रातः स्नान करने के लिए गए और उनका रूटीन था, वो हर सुबह स्नान करने के लिए जाते थे, उसके बाद अपने शिष्यों को वहीं गंगा जी के किनारे बैठ करके प्रवचन देते थे। तो अपने उसी रूटीन को फॉलो करते उन्होंने स्नान किया, शिष्यों ने स्नान किया, आकर के बैठे गंगा जी के तट पर और जो अपने शिष्य थे उनको प्रवचन देने लगे। तभी उन्हें जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी, तो देखा कि दूर एक परिवार के लोग जो थे आपस में लड़ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इतना तेज चिल्ला रहे थे कि इन तक आवाज आ रही थी, जबकि वो लोग आसपास ही खड़े थे। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा कि एक बात बताओ, ये एक ही परिवार के लोग हैं, आपस में प्रेम बहुत होगा, एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन चिल्ला क्यों रहे हैं? ये धीमी आवाज में भी तो बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो शिष्य ने कहा उत्तर देते हुए कि गुरुजी क्रोध आ रहा है, क्रोध में इंसान को कहां ध्यान रहता है, सुध-बुध खो देता है इंसान। दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी क्योंकि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। गुरुजी ने कहा वो पास ही तो खड़े हैं, एक दूसरे के साथ ही हैं, बहुत दूर भी नहीं है कि चिल्ला करके बात करनी पड़े, फिर इतना चिल्ला क्यों रहे? अलग अलग शिष्यों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन गुरुजी के जो है जवाब पसंद नहीं आया, उनको संतुष्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर उत्तर दिया, उन्होंने कहा सुनो मेरी बात को समझो ध्यान से, एक ही परिवार के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, प्रेम बहुत है और यहां पास में ही खड़े हैं, गंगा जी का पवित्र तट है, क्रोध करने वाली बात हो गई होगी, कोई गुस्सा करने वाली बात आई होगी, बहस करने वाली बात आई होगी, लेकिन चिल्ला क्यों रहे हैं? इसका जवाब तुम्हें बताता हूं, क्योंकि जब इंसान क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, तो दूरी पैदा हो जाती है, सामने वाले के पास खड़े होकर भी हम बहुत दूर चले जाते हैं, और जब बहुत दूर चले जाते हैं तो बात करने के लिए चिल्लाना पड़ता है, जोर जोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि कभी आपने देखा है जिन लोगों में प्रेम होता है वो पास बैठे होते हैं बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं, जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो फुसफुसा करके भी बात कर लेते हैं, और प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो उन्हें शब्दों को बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, इशारों में ही सारी बात हो जाती है, कई बार आंखों से सारी बात हो जाती है। जहां प्रेम होता है, जहां दिल नजदीक होता है, वहां चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो मंत्र याद रखिए, चिल्लाओ मत, चिल्लाना बंद कीजिए, शांत स्वर में बात करना शुरू कीजिए। एक मैडम ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर किया, और वो कहती हैं कि उनके पति बात बात में गुस्सा किया करते थे। एक दिन सुबह दफ्तर जाने के लिए निकले तो कहने लगे कि मेरे मोजे कहाँ हैं, मोजे ला करके उन्होंने दे दिए, तो कहने लगे कि रुमाल कहाँ है, रुमाल ला करके दे दिया, तो कहने लगे टिफिन कहाँ है, टिफिन भी ला करके दे दिया, तो कहने लगे मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं तुम पर असर नहीं पड़ रहा है, मैं गुस्सा कर रहा हूं। तो मैडम ने कहा अपने पति से कि गुस्सा आप कर रहे हैं, आपका गुस्सा है, फर्क आपको पढ़ना चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कहती हैं कि पूरे दिन जो है वो ऑफिस से भी कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे, मुझे मनाने का प्रयास करते रहे, उन्हें अंदर ही अंदर ग्लानी हुई कि मैं बेवजह क्यों चिल्ला रहा था, ये बेवजह बात बात में जो गुस्सा आने लगा है, इस आदत से अपना छुटकारा जो है पाइए, इस आदत को छोड़ दीजिए, इसी में आपकी और आपके आसपास के लोगों की भलाई है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।